प्रिय प्रत्याशी श्री लक्ष्मण सिंह यादव जी, भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष डॉक्टर वंदना पोपली जी, मेरे साथ उत्तराखंड से आए हुए श्री विनय रोहिला जी, श्री राजपाल यादव जी किसान मोर्चा के कोषाध्यक्ष, कवार सिंह जी श्री चेयरमैन, रामनिवास प्रजापति जी मंडल अध्यक्ष, श्री अजय जगारा जी उपाध्यक्ष, पार्षद श्री राहुल जोशी जी, मनोज सैनी जी, इंद्रपाल जी, प्रशांत जी, अतर सिंह जी, दलबीर सिंह जी, और जो लगातार हमारे चाहे लोकसभा का चुनाव या विधानसभा का चुनाव, उत्तराखंड में भी वो सक्रिय रहते हैं, पंजाब में भी उनकी सक्रियता रहती है और हरियाणा में तो लगातार आप सब लोगों के बीच में रहते हैं। उत्तराखंड प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक श्री ओम प्रकाश भट्ट जी, श्री जितेंद्र सिंह नेगी जी अध्यक्ष उत्तराखंड समाज, श्री बहादुर सिंह जी, श्री निवास भट्ट जी, रेणु देवी जी प्रधान महिला मंडली खारूहेड़ा, महेंद्र सिंह मिष्ट जी, देवराज जी, महेंद्र सिंह रावत जी, राजपाल जी, कमल मिष्ट जी, कार्तिक यादव जी प्रधान सरपंच एसोसिएशन, एवं मंच पर आसीन हमारे सभी नेतागण और इस कार्यक्रम में पधारे बड़ी संख्या में आए हुए मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें और मेरे नौजवान साथियों, हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, जिन्होंने यहाँ पर बहुत ही सुंदर प्रस्तुतिकरण दिया है, सुंदर प्रस्तुति स्वागत गान के रूप में यहाँ पर करी है, भगवान गणेश की आराधना की है, और हमारे पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आप सबके बीच में आया हूं और ये पवित्र भूमि को मैं भगवान बद्री विशाल की धरती से, बाबा केदार की धरती से, चारों धामों की धरती से, बाबा कैलाश की धरती से, माँ पूर्णागिरी की धरती से, गोलजू की धरती से आकर आप सभी का अपनी ओर से अभिनंदन करता हूँ, आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। भगवान बलराम जी, भगवान बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण जी की इस पवित्र भूमि को भी दोनों हाथ जोड़कर शीश झुकाकर प्रणाम करता हूं, और आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहां पधारे और भाई बलराम जी को अपना समर्थन देने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देने के लिए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए आप इतनी बड़ी संख्या में पधारे हैं। मैं हृदय से आपका स्वागत करता हूं, आप सबने मेरा स्वागत किया, अभिनंदन किया, मैं भी आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, अभी लक्ष्मण जी बोल रहे थे कि अहिरवाल की ये भूमि, ये वीरों की भूमि है और इन्होंने अनेक इतिहास, शांति सेना से लेकर सियाचिन ग्लेशियर से लेकर तमाम देश के अंदर होने वाले संग्रामों में या देश की रक्षा के लिए होने वाले युद्धों में, उन सभी में इस भूमि के लोगों ने भी उसी तरह का योगदान दिया है जिस तरह देवभूमि उत्तराखंड के वीरों ने भी देश की सीमाओं पर अपना योगदान दिया है। इसलिए देश की सीमा की रक्षा करने वाले ऐसे अनगिनत हमारे वीर जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है, उन वीर सपूतों की यह धरती है और यहाँ जो वेजांग लाके प्रसिद्ध युद्ध का स्मारक है, उस लड़ाई में अहिरवाल के वीर योद्धाओं और हमारे उत्तराखंड के कुमाऊं रेजिमेंट के वीरों ने साथ मिलकर चीन के सैनिकों को उनके नाकों चने जबाए थे, छक्के उड़ाने का काम किया था। मैं यहाँ के वो जो लोग 114 लोग थे वो कुमाऊं रेजिमेंट में ही थे, उन सभी वीर सैनिकों को, उन वीर योद्धाओं को भी मैं इस अवसर पर नमन करता हूं। और आज भाई बहनों, मैं आप सबके बीच में भाई लक्ष्मण जी के लिए आप सबका समर्थन मांगने के लिए आया हूं, आप सबका आशीर्वाद देवभूमि से चलकर आप सबके बीच में लक्ष्मण जी को विजयी बनाने के लिए, इनको आपका मत मिले, आपका समर्थन मिले, इसके लिए आप सबके बीच में आया हूं। और एक बात
मेरे मन में पक्का विश्वास हो गया है कि आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए। मैं देख रहा हूं पीछे जितना बड़ा पंडाल आपने बनवाया है, ये पंडाल छोटा पड़ गया है, कुर्सियां भी कम पड़ गई हैं। अब मेरे मन में कोई संशय नहीं है, इस बार वोटों की जो लक्ष्मण रेखा है वो सब कमल के फूल खिले हो गई है। और यहां पर लक्ष्मण जी के रूप में कमल खिलने वाला है। अभी ये कह रहे थे पूरे हरियाणा के अंदर जहां अनेक अनेक विकास के काम आगे बढ़े हैं, वहीं ये हमारा रेवाड़ी क्षेत्र आज भी उन सब का इंतजार कर रहा है। और ये इंतजार भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान में, कई बार लगता है हो सकता है कि अभी जैसे लक्ष्मण जी कह रहे थे उनका प्रमोशन हो गया, और सच में ये प्रमोशन आपका इसलिए हुआ है कि रेवाड़ी को आपकी आवश्यकता थी, इन सब लोगों को आपकी आवश्यकता थी, आपका प्रमोशन हुआ है। चलो आप सबको 5 अक्टूबर को अधिक से अधिक संख्या में मतदान करवाना भी है, करना भी है, लोगों को बताना भी है। और एक बात और कह रहा हूं मैं आपसे, अभी लक्ष्मण जी को मैं राजनीति में लगभग 30 से ज्यादा वर्षों से काम कर रहा हूं, छात्र राजनीति से लेकर तमाम युवा नौजवानों के बीच में, विद्यार्थियों के बीच में काम करते करते आप सबके आशीर्वाद से, देवभूमि के आशीर्वाद से, वहां की जनता के आशीर्वाद से, हमारे प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से और हमारी पार्टी के आशीर्वाद से मुझे उत्तराखंड की सेवा करने का अवसर मिला है। इसके साथ साथ देश में अनेक स्थानों पर काम करने का अवसर भी मिला है, बहुत सारे प्रतिनिधियों के बीच में भी रहा हूं, बहुत सारे नेताओं से भी मिला हूं, बहुत सारे प्रत्याशियों के चुनाव में भी गया हूं। लेकिन मैं अभी लक्ष्मण जी को जब बोलते हुए देख रहा था तो एक बात मैं आपसे जरूर कहना चाहता हूं कि 5 अक्टूबर को 5 बजे तक जब तक मतदान होगा आप सबको जगना है, चाहे रात हो चाहे दिन हो। और 5 तारीख के बाद मैं इनकी गारंटी ले रहा हूं कि ये जगकर जो है आप लोगों के लिए काम करेंगे। भाई बहनों, हरियाणा के अंदर 10 सालों में जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में जो यहां सरकार चली है, उसने अनेक नए आयाम हरियाणा के लिए बनाए हैं, बहुत सारे काम यहां के लिए हुए हैं। चाहे वो पूरे हरियाणा की अगर बात करें हम, तो रोडों का नेटवर्क जिस प्रकार से विकसित हुआ है, फ्लाईओवर बने हैं, अंडरपास बने हैं, एलिवेटेड रोड बने हैं, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे जैसे कई सड़कों का जाल यहां पर बिछा है, दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे को 800 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जा रहा है, सड़कों के साथ साथ जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनमें भी सुधार हुआ है, हरियाणा में 2 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं जो आज हरियाणा की कनेक्टिविटी को लगातार मजबूत करने का काम कर रही है। रेवाड़ी से चलने वाली रेलवे के पश्चिम डेडिकेटेड ट्रेड कॉरिडोर के 360 किलोमीटर लंबे खंड पर एक ट्रायल शुरू हो रहा है, और लक्ष्मण जी के बनते ही वो ट्रायल का काम भी पूरा हो जाएगा और उस पर कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी आने वाले समय में, जिससे यहां का उद्योग बढ़ेगा, यहां का रोजगार बढ़ेगा, लोगों की आर्थिकी बढ़ेगी। भाइयों बहनों, हरियाणा की डबल इंजन सरकार ने घर घर तक गैस सिलेंडर पहुंचाकर महिलाओं को जो धुएं से, रसोई के धुएं से मुक्त करने का काम किया है, प्रत्येक घर में आज शुद्ध पेयजल पहुंचाने का काम हो रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये अभियान हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसी धरती से शुरू किया था, और 50% आरक्षण देकर महिलाओं को उनके सामाजिक और राजनीतिक रूप से उनको सशक्त बनाने का काम किया था, जिससे कि वो हर क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। भाइयों बहनों, हरियाणा की सरकार ने खेलों के क्षेत्र में लोग हमारे नौजवानों को, युवाओं को, खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए 1000 खेल नर्सरियों की स्थापना की है। ये कितना बड़ा आंकड़ा है, जिससे कि यहाँ के आने वाले हमारे खिलाड़ी विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन कर पा रहे हैं। इसके साथ साथ मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसी अनेक योजनाओं को यहां पर शुरू किया गया है, जिससे रोजगार के और
स्वरोजगार के अवसर प्रदान हुए हैं। पहले के समय में जब 2014 से पहले तक की जो सरकार थी, यानी कि भाजपा की सरकार आने से पहले, इस सरकार के समय में केवल 538 गांव में बिजली उपलब्ध होती थी, जबकि आज 58,000 गांव में 24 घंटे बिजली की सुविधा दी जा रही है। यह है डबल इंजन की सरकार। पहले केवल 7 मेडिकल कॉलेज हुआ, आज 15 मेडिकल कॉलेज हो गए, और इन मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की जो संख्या है वो 3 गुना तक बढ़ाई गई है। यही नहीं, आज आपके रेवाड़ी में 1650 करोड़ रुपए की लागत से एम्स का निर्माण हो रहा है। 1650 करोड़ रुपए एक बड़ी धनराशि, बड़ा एम्स यहां बनने जा रहा है। भाइयों बहनों, ये हरियाणा की जो भूमि है देश और विदेश में ये अनेक प्रकार से जानी जाती है। ये यहाँ किसानों की भूमि है, यहाँ वीरों की भूमि है, यहाँ मेहनत करने वाले लोगों की भूमि है, और अनेक अनेक प्रदेशों से आकर लोगों ने यहाँ पर इस हरियाणा को आगे बढ़ाने में योगदान दिया है, अपनी भी पहचान स्थापित की है। परंतु आज भाजपा सरकार से पहले की जो सरकारें हैं, विशेष रूप से मैं उन सरकारों की चर्चा जरूर करना चाहूंगा आप सबके लिए। उन सरकारों ने हमेशा यहाँ के लोगों के साथ राजनीति की है, किसानों के साथ राजनीति की है, यहाँ के नौजवानों के साथ राजनीति की है, यहाँ के आम जन के साथ राजनीति की है। पहले किस समय किस प्रकार का भ्रष्टाचार होता था यहाँ पर, किस प्रकार से यहाँ भाई भतीजावाद होता था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। भाइयों बहनों, कांग्रेस शासन में ये कई फसल का नुकसान होता था तो केवल 6,000 रुपए मिलता था, इसको भाजपा की सरकार आने के बाद 15,000 रुपए करने का काम किया है। 8 फसलों पर पहले एमएसपी मिलती थी, अब 24 फसलों पर, अब 24 फसलों पर ये एमएसपी मिलने जा रही है, पहले 14 पर मिलती है। भाइयों बहनों, एक हर क्षेत्र में बड़ा काम किया है। अभी मैं पिछले दिनों यहाँ पंचकुला क्षेत्र में और मोहाली क्षेत्र में, मैं कालका क्षेत्र में पार्टी के प्रत्याशियों के लिए किसी प्रकार के जनसंपर्क में समर्थन मांगने आया था। उस दिन मैं देख रहा था कांग्रेस पार्टी से जो लोग खड़े हुए, आपके यहां से भी जो खड़े हैं, उनके नातेदार रिश्तेदार विधायक के प्रत्याशी अभी से कहने लगे हैं कि अगर हम विधायक बनेंगे, हमारी सरकार गलती से बन गई, तो हम पहले किसको नौकरी देंगे? अपने परिवार के लोगों को नौकरी देंगे, उसके बाद अपने जानने वालों को नौकरी देंगे, या कोई जो कुछ हमको कोई कुछ देगा, वो जो लेन देन करेगा उनको नौकरी देंगे। तो भाइयों बहनों, ये दौर अब हरियाणा में दोबारा नहीं ला रहा है। आप लोगों ने आज यहां से संकल्प लेकर जाना है किसी भी कीमत पर, क्योंकि अंतर है भाजपा की डबल इंजन की सरकार में और भ्रष्टाचार और परिवारवाद के मिशन वाली कांग्रेस की सरकार में। आपको याद होगा जब यहां पर हुड्डा जी की सरकार हुआ करती थी, किस प्रकार से ये हरियाणा को उन्होंने अपनी बपोती एक परिवार में, दिल्ली के गांधी परिवार ने एक बपोती बना दिया था। सारे नियम कायदे कानूनों को ताक पर रखकर जमीनों की सौदाबाजी की जाती थी, और 3D का राज चलता था। 3D की कहावत प्रचलित थी, 3D माने दरबारी, दामाद और डीलरों की, यानी कि 3D की सरकार चलती थी। इतना ही नहीं, सरकारी नौकरियां खुलेआम उनमें धांधली की जाती थी, बिना पैसे के सामान्य बेटे और बेटियों को, गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को नौकरी नहीं मिलती थी। भाइयों बहनों, उस समय हरियाणा में एक ही सिस्टम चलता था, पर्ची और खर्ची सिस्टम, आप सबको याद होगा। और मौजूदा जो हमारी सरकार है, ये जो 10 साल सरकार चली है, लोग पूछते हैं 10 सालों में क्या काम हुआ है, मैं बताना चाहता हूं 10 सालों में यह काम हुआ है कि पूरी तरह से पर्ची और खर्ची पर पूरी तरह से लगाम लगाने का काम हुआ है, पूरी तरह से इस व्यवस्था को बंद करने का काम हुआ है। नौकरी योग्यता के आधार पर मिलती है, अब जो योग्य होगा उसको नौकरी मिलेगी, जो पढ़ेगा लिखेगा वो उसको नौकरी मिलेगी। भाइयों बहनों, ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर भी हरियाणा में एक जमाने में जमकर खेल चलता था, इंडस्ट्री होती थी, उद्योग चलता था ट्रांसफर पोस्टिंग का। हमारी सरकार ने, भाजपा की सरकार ने इस खेल को भी पूरी तरह से बंद करने का काम हरियाणा के अंदर किया है। भाइयों बहनों, जिन राज्यों में भी अब लोग कहते होंगे कि एक मौका हमको दे दीजिए, आपके बीच में भी आते होंगे, अरे भाई इनको मौका किसने देना है? इनको मौका इसलिए देना है कि ये भ्रष्टाचार करें, इनको मौका इसलिए देना है कि ये परिवारवाद करें, इनको मौका इसलिए देना है कि ये घोटाले करें,
इनको मौका इसलिए देना है कि आप सब लोगों को एक बार ठग के पूरी तरह से हरियाणा को कंगाल बनाने का काम करें। भाइयों बहनों, जहां जहां भी जनता ने कांग्रेस को मौका दिया है वहां की जनता आज पछता रही है। आप देखिए, आपके और हमारे बीच में हिमाचल है, हिमाचल के लोगों ने, वहां पर कांग्रेस की सरकार आ गई और आज हिमाचल के लोग पछता रहे हैं। कर्नाटका में आप देखिए, कर्नाटका के मुख्यमंत्री खुद वहीं की सरकार ने उनकी अपनी जांच में, अपनी ही सरकार की जांच में, वो जमीन के घोटाले में पूरी तरह से दोषी पाए गए हैं, उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है, बहुत जल्दी वो जेल जाने वाले हैं। भाइयों बहनों, अगर कहीं ईडी या सीबीआई करती तो कहते कि हमको फंसा दिया गया, हमको कुछ कर दिया गया, आप ये भी नहीं कह सकते। उन्हीं की सरकार ने जांच करी और अब कोर्ट कह रहा है कि वहां के मुख्यमंत्री कर्नाटका के इसमें दोषी हैं। तेलंगाना में मैं गया था लोकसभा चुनाव में, मैंने देखा कि वहां पर भी, तेलंगाना में भी तमाम झूठे झूठे वायदे करके वो सरकार आई थी और उसने भी कोई काम नहीं किया। जो भी वायदे किए थे उन वायदों पर वो खरे नहीं उतरे। कांग्रेस कभी भी भ्रष्टाचार और घोटालों से बाज नहीं आती है। भाइयों बहनों, मैं अगर इनकी बात करते रहूंगा तो बहुत लंबा समय बीत जाएगा, मैं बहुत ज्यादा इसमें नहीं जाना चाहता। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, अभी अभी मैं जम्मू कश्मीर के चुनाव में भी गया था, वहां पर कांग्रेस पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी और पीडीपी, तीन पार्टियों का वहां गठबंधन हो रहा है। ये पार्टियां कह रही हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां कांग्रेस के अंदर कश्मीर के अंदर कहती है। भाइयों बहनों, क्या कहती है जानते हो? वो कहते हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम धारा 370 समाप्त कर देंगे। आप जानते हैं धारा 370 ये देश की आजादी के बाद हमारी पार्टी का, देश का संकल्प था कि एक देश के अंदर, एक राष्ट्र के अंदर एक विधान होना चाहिए, एक निशान होना चाहिए और एक प्रधान की व्यवस्था होनी चाहिए। और उस एक विधान, एक प्रधान और एक निशान के लिए देश के 40,000 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी शहादत दी, अपने प्राणों का बलिदान किया, तब जाकर वो कश्मीर बचा है। और जो काम कोई नहीं कर पाया, किसी ने इतना सीना, किसी में इतनी दम नहीं थी, उस काम को करके दिखाने का काम किसी ने किया है तो भारत माँ के लाल नरेंद्र मोदी जी ने किया है। धारा 370 समाप्त कर दी। भाइयों बहनों, चाहे वो आज रेवाड़ी हरियाणा के हमारे नौजवान हो, जो वीर जवान देश की सीमाओं पर हमारे देश की रक्षा के लिए तैनात है, या मेरे देवभूमि उत्तराखंड के वीर वहां पर हो। अभी अभी मैं बनी क्षेत्र में गया था, वहां पर 5 हमारे गढ़वाल राइफल्स के 5 रणबांकुरों ने अपना बलिदान दिया। क्या आप सब चाहते हैं कि वहां से धारा 370 समाप्त कर दें? ये फिर से पत्थरबाज वहां पर हमारे सुरक्षा बलों पर पत्थर चलाना शुरू कर दें, फिर से हमारे जवानों पर आतंकवादी, अलगाववादी, जिहादी हमले शुरू कर दें, इस प्रकार की व्यवस्था ये लाना चाहते हैं? भाइयों बहनों, क्या आपको ये सब व्यवस्था कांग्रेस की ये नीति मंजूर है क्या? नहीं मंजूर है। तो मैं जानता हूं, तो इन पत्थरबाजों को, इनकी वकालत करने वाले पाकिस्तान से वार्ता करने की बात करते हैं, समझौते करने की बात करते हैं, व्यापार खोलने की बात करते हैं, ऐसे लोग आज तमाम प्रकार से आप सबके बीच में भी आ रहे हैं। और कांग्रेस की ये नीति इसी वजह से कश्मीर में तैनात देश के अन्य भागों की भांति हरियाणा हो या हमारे उत्तराखंड के लोग हो, इन वीर सपूतों पर जो है वहां के आतंकवादी हमले करने के लिए जो है उनका मनोबल बढ़ता था, इस मनोबल को तोड़ने का काम, मैं आपको बताऊं, मैं बीच में सीमा सुरक्षा बल के एक प्रशिक्षण केंद्र पर गया था लखनऊ, और मैंने वहां के जवानों से पूछा कि आप लोग कश्मीर के अंदर अपनी ड्यूटी करके आए हैं धारा 370 समाप्त होने के बाद, और अब आपको क्या अंतर दिखाई देता है? उन्होंने कहा, पहले जगह जगह पर बस रोक दी जाती थी, रात व दिन कहीं पर भी आतंकवादी रोकते थे, बंदूकों की नोक पर लोगों को मजबूर करते थे, पत्थर चलाते थे, सुरक्षा बलों पर हमले करते थे, लेकिन धारा 370 लागू होने के बाद एक भी पत्थरबाजी की घटना नहीं हुई है। यह अंतर आया है भाइयों बहनों, ये काम किसी और ने नहीं किया है, ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। आज कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में देश के दुश्मनों का एजेंडा भारत में लागू करने का प्रयास कर रही है। राहुल गांधी विदेशों में जाते हैं, तमाम प्रकार से देश का उपहास उड़ाते हैं, देश के मान सम्मान को जहां प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व के अंदर
लगातार बढ़ोतरी हो रही है, हमारी वैश्विक पहचान बढ़ रही है, दुनिया के देश आज हमारा हर प्रकार से मान सम्मान कर रहे हैं, कोई घटना होती है भारत के रुख का इंतजार करते हैं। भाइयों बहनों, एक गैर जिम्मेदाराना बयान देकर राहुल बाबा पूरे देश को शर्मिंदा करने का काम करते हैं। अब आप ही बताइए, हरियाणा के अंदर आप क्या ऐसे लोगों को सत्ता देंगे क्या, ऐसे लोगों की सरकार आने देंगे क्या? देवभूमि उत्तराखंड के अंदर भी पहले एक मिथक होता था, एक मिथक था, एक परिपाटी थी कि हर बार चुनाव होता है और चुनावों में सरकार बदल जाती है, एक बार एक पार्टी की सरकार आ जाती है, फिर दूसरा बार चुनाव होगा दूसरी पार्टी की चुनाव सरकार आ जाती है। और 2022 में आम चुनाव हुआ और बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो विश्लेषक थे, बड़े बड़े राजनीतिक विद्वान थे, सबके मन में यही था, आकलन यही लगा रहे थे कि इस बार कांग्रेस आ जाएगी। भाइयों बहनों, उत्तराखंड देवभूमि के लोगों को मैं नमन करना चाहता हूं, उन नागरिकों को नमन करना चाहता हूं, माताओं बहनों को नमन करना चाहता हूं कि उत्तराखंड के लोगों ने इस बार मिथक बदल दिया, मिथक तोड़ दिया, परिपाटी बदल दी, एक नया इतिहास बना दिया कि लगातार एक ही पार्टी भारतीय जनता पार्टी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी। और जहां जहां भी डबल इंजन की सरकार बनी है वहां विकास तेज गति से आगे बढ़ा है, यह पूरे देश का इतिहास है। अभी आप देखिए हिमाचल में, मैं देख रहा था आज हम बहुत सारे क्षेत्रों में हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे हैं। हमारे अभी रोहिला जी जब बोल रहे थे चार धामों में किस प्रकार की व्यवस्था हो गई, किस प्रकार से देव दर्शन हो रहे हैं, पर्यटकों की संख्या बढ़ गई है, अनेक क्षेत्रों में हम कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, हमने समान नागरिक संहिता आजादी के बाद पूरे हिंदुस्तान का पहला राज्य देवभूमि उत्तराखंड बन गया है जहां समान नागरिक संहिता का विधेयक पारित हो चुका है। इसी प्रकार से तमाम क्षेत्रों में आज उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है, चाहे वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो, सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी आज उत्तराखंड पूरे देश के सभी राज्यों में पहले नंबर का राज्य बन गया है। भाइयों बहनों, इसी प्रकार बेरोजगारी दर घटी है, ऐसे अनेक काम उत्तराखंड में हो रहे हैं, ये इसलिए हो रहे हैं, या मैं हरियाणा की बात कर रहा था, हरियाणा में भी इसलिए हो रहे हैं क्योंकि यहां डबल इंजन की सरकार है और इन जब दूसरी सरकारें आती हैं वो लूटने खसोटने में लग जाती हैं। भाइयों बहनों, इसलिए हमारी जो हरियाणा की हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी ने यहां के लिए एक संकल्प पत्र, एक रोड मैप बनाया है जिससे कि हरियाणा विकसित भी बने, आत्मनिर्भर भी बने। लाडो योजना, इसके तहत प्रति माह 2100 रुपए का प्रावधान नई सरकार के गठन होने पर किया गया है। अपल बालिका योजना के तहत प्रत्येक बालिका को स्कूटी प्रदान की जाएगी, यह प्रावधान भी किया है। आयुष्मान योजना, पहले 5 लाख रुपए की धनराशि दी जाती थी, उसको बढ़ाकर अब 10 लाख रुपए करने का भी जो है इस संकल्प पत्र में प्रावधान किया गया है। इतना ही नहीं, किसानों को 3 लाख तक का ब्याज मुफ्त कृषि ऋण के तहत दिए जाने का, साथ ही 14 फसलों में, अभी 14 में है, 24 फसलों में एमएसपी की खरीदारी की जाएगी। नई भाजपा सरकार आने वाले समय में जो यहां 2 लाख नौकरियां युवाओं को बिना खर्ची और पर्ची के पारदर्शी तरीके से देने का संकल्प पत्र में संकल्प लिया गया है, एक बड़ी संख्या है भाइयों बहनों। 5 लाख युवाओं को अन्य रोजगार साधन मुहैया कराए जाने का भी संकल्प पत्र में संकल्प लिया गया है। इसके अलावा अग्निवीर योजना के तहत आज बहुत सारे लोगों को कांग्रेस के लोग, अन्य पार्टियों के लोग बरगलाने का काम कर रहे हैं भाइयों बहनों। और हरियाणा की सरकार ने कहा है, हमारे यहाँ के युवा मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी जी ने कहा है कि अब अग्निवीर करके आने वाले हर एक नौजवान को, हर एक वीर को जो प्रशिक्षण लेकर आएगा उसको खाली नहीं रहने दिया जाएगा, उसको रोजगार दिया जाएगा, पक्की नौकरी दी जाएगी। भाई पिछड़े वर्ग की 26 बिरादियों को समुचित विकास के लक्ष्य से बोर्ड बनाकर उनकी मदद की जाएगी। ओबीसी एसटी और एससी वर्ग के विद्यार्थियों को मेडिकल और इंजीनियरिंग के पढ़ाई के लिए एक अलग प्रकार की विशेष स्कॉलरशिप देने का भी प्रावधान है। इसके साथ साथ भाइयों बहनों, रेवाड़ी को अत्याधुनिक शहर के रूप में विकसित किया जाएगा और इस क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र के लोगों को, हजारों लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम किया जाएगा। साथ में रेवाड़ी में सरसों तेल की सबसे बड़ी फैक्ट्री स्थापित की जाएगी जो राज्य को
विकास और आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करेगी। इसलिए मैं आज आप सबके बीच में आया हूं और मैं देख रहा हूं बहुत सारे चेहरे, हमारी बहनें हमारे यहाँ का जो परंपरागत हमारा परिधान पहन के आई हैं, मैं उन सभी बहनों को प्रणाम करता हूँ, उन बच्चों को भी प्रणाम करता हूँ, उनको भी मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे भाइयों को जो ब्रह्म कमल की टोपी लगा के आए हैं, उनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग केवल एक, मैं आपको केवल आपका वोट मांगने के लिए नहीं आया हूँ लक्ष्मण जी के लिए, मैं अब आपसे एक वायदा मांगने के लिए आया हूं कि आप लोग 5 तारीख तक हर एक व्यक्ति यहां कमल का फूल बनकर, हर एक व्यक्ति लक्ष्मण यादव बनकर आप सबको घर घर तक जाना है। और जिस प्रकार से हिमालय सबको एक दिशा देता है, जागरूक करता है, हिमालय से शुद्ध हवा निकलती है, हमारे यहां से शुद्ध पानी निकलता है, उसी प्रकार से भाजपा की सुगंध, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का संदेश, हमारे भाई लक्ष्मण यादव जी का संदेश आप सबको घर घर तक लेकर जाना है। क्योंकि लक्ष्मण जी का प्रमोशन हुआ है, अब प्रमोशन तो ये केवल विधायक के लिए नहीं हुआ है, इनका कैबिनेट मंत्री का, मंत्री का, आप समझ गए ना किसके लिए हुआ है। जब इनका जिला मुख्यालय पर आ गए हैं, पार्टी ने इनका प्रमोशन कर दिया है, अब आपका प्रमोशन करना और सरकार आएगी तो हम सब जोर लगाएंगे कि इनका प्रमोशन हुआ है। और मुझे पूरा भरोसा है इनकी जो कार्यशैली है, इनका जो एक कार्य व्यवहार है, लंबे समय से राजनीतिक क्षेत्र में काम करते रहे हैं भ्रष्टाचार और परिवारवाद को खत्म करने के लिए, मैं आप सब से आज अपील करता हूं कि 5 अक्टूबर को आप सब लोगों ने प्रातःकाल से कमल के फूल वाला बटन दबाते जाना है, दबाते जाना है, दबाते जाना है, और शाम तक उसको इतना लगा देना है कि दीपावली से पहले नवरात्र में ही 8 अक्टूबर को जब जिस दिन रिजल्ट निकल रहा होगा, जिस दिन परिणाम आ रहा होगा, तो मैं लक्ष्मण जी को और वंदना जी को फोन करूंगा, लक्ष्मण भाई तो बिजी होंगे, तो 10 बजे तक ओम प्रकाश जी को कि ओम प्रकाश जी हम सभा करने गए थे वहां और रेवाड़ी का रिजल्ट एकदम फाइनल हो गया, तो इनकी तरफ से आवाज आनी चाहिए कि हमने तो जो है 12 बजे का इंतजार ही नहीं किया, 10 बजे तक रिजल्ट एक तरफा हो गया है, लक्ष्मण जी जीत गया है, कमल जीत गया है, दीपावली हो गई है, दीपावली से पहले एक दीपावली, दूसरी दीपावली। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोग एक यहां पर इतिहास बनाने का काम करेंगे।